बाबा और उनकी गर्लफ्रेंड एक्स वाई जेड जो भी है, ये दोनों मेरे मित्र थे, मेरे इतने अच्छे मित्र। मैं उनकी अगली फिल्म करने वाली थी। आप ये सब फोटोज देखो, मुझे पता नहीं था। आज मुझे दुख हो रहा है कि मैं ऐसे लोगों के मित्र थी, ऐसे लोग मेरे दोस्त थे। राम रहीम जी जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, लेकिन मुझे बाद में जब वो जेल में गए तब पता चला उनके आत्मकथा के बारे में। बट मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे नहीं पता था कि ये सब हुआ होगा। बट हाँ, डेफिनेटली मैं उन पर एक फ़िल्म करना चाहूँगी जिसको मेरा भाई राकेश डायरेक्ट करेगा। और मैं दो फिल्में करना चाहूँगी, एक राधे माँ पे और एक बाबा राम रहीम पर, क्योंकि दोनों ही मेरे मित्र हैं। सोचो, जिनके गुरु ऐसे हैं, चेली कैसी होगी, सोच सकते हो ना। दुख हो रहा है, बच्चों का रेप करता है, लड़कियों का रेप करता है, जो महिलाओं का रेप करता है, 400-500 आदमियों को नपुंसक बनाया जिस बाबा राम रहीम ने, ऐसे लोगों के साथ मैंने खड़े होकर फोटो खिंचवाई। मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल करता मैं जेल में घुस के इसको मैं पिटाई करूँ। मैं इसका मैं रूप बदल के जाऊंगी जेल में। और ये बाबा राम रहीम ने ऐसा कैसे किया मेरे साथ? थूकती हूँ मैं ऐसी दोस्ती पर। मुझे पता नहीं था कि महिलाओं के साथ शोषण करता था, छोटी छोटी लड़कियों के साथ। मुझे आज दुख हो रहा है कि ये मेरा मित्र था और मैं इसके साथ फोटो खिंचवाई थी और इनकी फिल्म के लिए मैंने प्रमोशन किया। मेरे गणपति बापा के सामने मैंने कहा कि ये जल्द से जल्द छूट जाए। मुझे नहीं पता था कि इसने कत्ल करवाए, इसने बलात्कार किया, इसने छोटे छोटे बच्चों को मारा, हाँ, और बहुत सारे पुरुषों को नपुंसक किया। कानून इसे नपुंसक करेगा, ईश्वर ने इसका पाप पूरा खोल दिया है। इसकी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, पुलिस वालों संभल के रहो। ये बाबा राम रहीम पे आप विश्वास मत करना, क्योंकि ये सबको धोखा देता है। इसने दूसरी की बीवियों को बेटी बना के अपने साथ शोषण करवाया। इससे खतरनाक आदमी नहीं हो सकता। थैंक गॉड मैं सिरसा नहीं गई, मुझे सिरसा बाबा राम रहीम बार बार बुला रहे थे, आओ बेटी आओ बेटी। उनके बर्थडे पे उनका पीए जो है, क्या नाम है उनका, पीए भी है, ये सब लोग मुझे बुला रहे थे। अच्छा हुआ मैं नहीं गई, मैंने इनके पापों में साथ नहीं दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। कानून के लोगों मैं कहना चाहती हूँ, इसको हॉस्पिटल में एडमिट मत करना। इसका हम शक्ल क्लोन प्लास्टिक सर्जरी करवा के ये 20 साल अंदर सजा कटेगा और ये बाबा कहीं अमेरिका लंदन में घूमेगा। आई एम टेलिंग यू, ये अदला बदली हो जाएगी, जैसे डॉन फिल्म में यू नो शाहरुख कैसे अदला बदली हो गए थे, वैसा हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू अभी, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा कुछ भी करवा सकता है। पैसा होता है तो अमीर आदमी छूट जाता है, गरीब आदमी मर जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ इस बाबा पे ध्यान रखना। वो पुलिस वाले जो बाहर खड़े होंगे उनके खाने में कुछ मिला दिया जाएगा, 10-15 मिनट के लिए बेहोश हो जाएंगे, ये बाबा अदला बदली हो जाएगी और गायब हो जाएगा। फिर वो जो नकली होगा वो 20 साल की सज़ा कटेगा। तो ये पूरी सज़ा काटना चाहिए राम रहीम बाबा। आई हेट यू।